अरे रेड हो गई, कलर हो गया ना। दिनों 12 बजने वाले हैं। हाँ हाँ पीछे लग रही है। लो भाई घड़ी हो गई सही। 12 बजने वाले हैं। दिन बहुत खुश है। दिन आप क्यों खुश हो? आज क्या है? दीनू आज क्या है? दीनू बाबा क्या लाए हैं? बाबा क्या लाए हैं? सफेद स्कूटर लाए भाई। 3 मिनट 50 सेकंड। अच्छा आज क्या है? दीनू बोलो आज न्यू ईयर है। कल है। जिनू बलून किट्टू बलून फोड़ देना। आप सभी को हम लोगों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वहाँ तो पटाखे भी फूटने लगे। अभी नहीं बजे। बढ़िया। देख रहा ना। बज गए। बजना होगा। गुड। जीनू। आपको भी। नहीं तो नहीं। जीनू हैप्पी न्यू ईयर। जीनू हैप्पी न्यू ईयर। अभी नहीं बजे। अरे बज गए। कहाँ बजे? मैंने जवाब ही नहीं दिया बाबा। हैप्पी न्यू ईयर। अभी 11:59 ही हो रहे हैं। अरे तो बिल्कुल क्या पांच। हैप्पी न्यू ईयर। हो गया। खुश रहो खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर। किट्टू ने अपने चार बार फील है। किट्टू ने अपने चार बार फील है। हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग क्या शैतानी नहीं दे रहे बेटे। कोई शैतानी नहीं देगा। क्यों काले वाले पसंद? व्हाइट वाले भी तो अच्छे होते हैं। अपने आप लेगी वो। अपने आप खाने वाली है वो। अच्छा मेरे हाथ से खाएगी? नहीं ताऊ के हाथ से। ताऊ के हाथ से आपको बात। चलो कोई बात नहीं खा लेगी। नई साल मुबारक हो। अरे खा लो कछु ना है। खा लो थोड़ो खा लो। मैं खाती नहीं बाहर करो। मुबारक हो। हम खिलाएंगे अपने दिनों का।
अरे वो खा लिए सब खा लिए Hey guys, तो यार नए साल की वही पुरानी सुबह हमने कदम रख दिया है 2023 में। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये वाला साल आप सभी के लिए खूब सारी खुशियाँ लेके आए, आप जो चाहो वो आपको मिल जाए और मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। बस इसी मनोकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का दिन, 1 जनवरी 2023। और बस हमारी तो वही सुबह रहेगी और मैं भी यही चाहती हूँ कि यार हमारा साथ हमारा प्यार वही पुराना वाला बना रहे और जो जो नए लोग जुड़े हैं वो अपना प्यार बरसाते रहे ऐसे ही। तो ईयर बदला है बट आपका साथ नहीं बदलना चाहिए, आपका प्यार वही रहना चाहिए, वही पुराना वाला हम लोगों का साथ बना रहेगा हमेशा ऐसे ही। एंड यहाँ पे जो है मैं नहा धो के लग चुकी हूँ, वैसे आज संडे है, न्यू ईयर जो संडे को पड़ गया बट मैं जल्दी उठ गई हूँ संडे के दिन भी क्योंकि आज जाना है मंदिर। यार नया साल है तो सोचा चलो यार भगवान जी के पे ही प्रसाद चढ़ा देते हैं जाके, उन्हें भी हैप्पी न्यू ईयर बोल के आते हैं, उनके घर चलते हैं मतलब मंदिर चलते हैं। भगवान जी का घर तो वैसे हर जगह है बट मंदिर में एक अलग ही भाव आता है। तो बस जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, हस्बैंड को उठाऊंगे, मैं वो सो रहे हैं अभी उनको नहीं उठाया, जीनू को लेके नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि जीनू को कोल्ड उसको नहलाना पड़ेगा तो इसलिए हम दोनों ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू बनने के लिए रख दिया था एंड आज बनेगी कचौड़ी आलू की पूड़ी और रायता हो जाएगा, रायता आने के बाद बनाऊंगी। और मीठे में सोच रही हूँ कि सेवैयाँ बना लूँगी, फटाफट से बन के रेडी हो जाएंगी क्योंकि न्यू ईयर के दिन जो है टाइम बहुत कम रहता है, काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, विशेज़ वगैरह, फ़ोन वगैरह, कॉल्स एंड वो सब आपको पता ही है, सब में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो यहाँ ना मैंने कारपेट बिछा दिया था, उठा रखा था क्योंकि पोंछा वोछा लगाया था तो गीला फर्श था तो इसलिए फिर मैंने जब सूख गया पोंछा तो मैंने कारपेट बिछा दिया। और बस यहाँ पे आटा वाटा सब कुछ लगा के जाऊँगी मैं क्योंकि जब तक हस्बैंड नहाएंगे धोएंगे तब तक मेरा सब कुछ रेडी हो जाएगा मेरा खाना पीना। और बस फटाफट से मंदिर से आके फिर गर्मा गर्म सेक दूंगी मैं। तो यहाँ पे जो है सिवैयाँ बनने वाली हैं, अभी थोड़ी सी और वैसी हो जाए बॉईल हो जाए उसके बाद बंद कर दूंगी फ्लेम। एंड यहाँ पे जो है कद्दू बन के हो गया हमारा रेडी। और ये क्लिप है यार मंदिर से आने के बाद, फिर यहाँ पे ना गर्मा गर्म मैं सेकती जा रही हूँ और सब लोग बारी बारी से जो है खाते जा रहे हैं। तो पापा जी ने तो ऊपर ही खा लिया था, छत पे बैठ के धूप हो रही थी ना, धूप यार बड़ी अच्छी निकली है, बड़ी कड़क वाली धूप निकली है यार। और वहाँ से आने के बाद बस मैंने पी चाय और चाय पीने के बाद फ़ोन कॉल्स वगैरह ये सब आते हैं आपको पता ही है वो अटेंड किया एंड फटाफट से फिर मैं लग गई खाना सेकने में क्योंकि टाइम लगता है फिर सेकने में भी, और कचौड़ी को तो वैसे आपको पता है टाइम लगता है धीरे धीरे सेको। तो बस यहाँ पे बन रही है, आप लोग भी खा लीजिए आके। एंड मम्मी खा रही हैं, हस्बैंड ऑलमोस्ट खा ही चुके हैं, वो तो खा ही चुके हैं, उनका हो गया है। मम्मी खा रही थी एंड मेरी ना दीदी लगती हैं जेठानी जी जो उनके बच्चे आ गए थे तो वो भी खा रहे थे, उनको मैंने कहा चलो सेक रही हूँ गर्मा गर्म, वो लोग भी खा लेंगे अपना क्योंकि यहीं पे जॉब करते हैं तो जब उनकी छुट्टी होती है तब वो मिलने के लिए आ जाते हैं। और आज तो वैसे भी न्यू ईयर है तो नए साल पे तो आशीर्वाद लेना बनता है अपने बड़ों का। एंड बस थोड़ी देर बैठेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, टाइम पास हो जाएगा और फिर ये लोग बाद में निकल जाएंगे। वैसे भी छुट्टी नहीं रहती है लोगों की, संडे को ही रहती है। तो यहाँ पे देखो सब लोग खा रहे हैं, जीनू मैडम ना कोने में बैठी हैं, आपको दिख भी नहीं रहोगी जीनू वो पीछे की साइड में बैठी है। आप लोग भी इन्जॉय करिए नए साल पे, आप लोगों ने क्या क्या किया मुझे कमेंट करके बताना। मैंने तो यार कुछ भी खास नहीं किया, मैं घर पे रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हो, तो कहीं पार्टी शार्टी अब नहीं होती है। जब शादी से पहले होती थी बट शादी के बाद तो सब में ऐसे टाइम निकल जाता है घर पे, तो कहाँ न्यू ईयर की पार्टी करेंगे, घर पे अपना इन्जॉय करते हैं। दिखा जीव, दिखा रेड हो गई, कलर हो गया ना रेड। बस बाबू को लाइट, ओ बाबू देखो बाबू, हां पर लाइट जल रही है। तो भाई रीनू ले रही है यहां पे नेबुलाइजर और जिनू अभी लेके आई है मार्केट से स्लीपर न्यू पाइन एप्पल वाली, खाने की भी लगी। ये लेके आई थी पजल वगैरह बनाने के लिए तो यही बता रही हूँ अंदर रखा हुआ है। और यार मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ अब, सोने का टाइम हो चुका है। एक्चुअली आज पूरा दिन ना ऐसे निकल गया, सुबह से तो आपको पता ही आज कितना बिजी दिन हो जाता है। मॉर्निंग में हम लोग चले गए थे मंदिर, फिर खाने पीने में लग गए थे एंड फिर खाने पीने से फ्री हुए घर के कामों से, फिर
थोड़ी देर एडिटिंग करी, वीडियो अपलोड करी, वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं आज, ऊपर से आज फोन कॉल सबको पता ही है, मैसेज करना, फोन करना, अटेंड करना, तो आज पूरे दिन बस यही चला कॉल्स वगैरह। सबको विश किया हैप्पी न्यू ईयर, एंड आप सभी को दोबारा से बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का ये साल बहुत बढ़िया से जाए यार, हम सभी का बढ़िया से जाए ये साल जो है, लास्ट ईयर हमने जो देखा वो इस साल ना देखना पड़े, बस खुश रहें, स्वस्थ रहें सब लोग, और क्या चाहिए लाइफ में। तो होप कि अच्छा जाएगा ये वाला ईयर, एंड और क्या, फिर हम लोग मार्केट चले गए शाम के टाइम पे, और खाना पीना कुछ नहीं बना है, पेट सबके ऐसे हो रहे थे भरे भरे से, कचौड़ी पूड़ी खा खा के ना, तो ऐसे हो रहे थे, तो कुछ नहीं खाया। हम लोग बाहर चले गए तो हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए, मम्मी पापा ने तो कुछ भी नहीं खाया, उनका बिल्कुल ही मन नहीं था, और बस मार्केट से जीनों के लिए स्लीपर लिया है, बस थोड़ा घूम घाम के हम आ गए घर पे वापस, एंड अब करते हैं चलिए ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे कल, और बस आज के ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड यस अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना इस साल भी, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना जैसे आपने 2022 में बनाया, अपना प्यार जो दिया है, सपोर्ट दिया है वो, होप कि 2023 में हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए और लोग हमारी फैमिली से जुड़ जाएँ, और बस हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहें आपस में, और बस यार यही चाहती हूँ मैं, आप सबका सपोर्ट बना रहे, प्यार बना रहे, बस चलिए आप लोग भी सोइए, आराम करिए, एंड मिलते हैं आपसे कल दोबारा किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, जीनो भी बाय करेगी भी आप लोगों को, बाय कर दो। जीनू को जुकाम हो रहा तकड़ा वाला, इसलिए उसको नेबुलाइजर दे रहे हैं हस्बैंड। चलिए आपसे मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।